दोनों पार्टियों के लिए गुरुदेव दो प्रश्न और दिए जा रहे हैं, दो प्रश्न और, ठीक है, आपका आशीर्वाद हो तो। नंबर एक प्रश्न, दोनों पार्टी ध्यान रखें, चली गई कहां कुसुपन का अपने भैया को कराए के कुनोबान, एक प्रश्न सुपन का कहां चली गई, और प्रश्न नंबर दो, जो पांच मांगे थे, जो पांच मांगे थे वो गांव कौन से, जब कृष्ण ने कुरुपति से पांच गांव मांगे कि संधि हो जाएगी पांडवों की, तू पांच गांव दे दे, वो गांव कौन से, पांचों को दो बता थे नाम कौन से, दो प्रश्न, एक सुपन का कहां गई और वो पांच गांव कौन कौन से थे, ठीक है। हेलो 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 चरणों में सर रखते हुए और चाल लाने पर गौर देंगे, खास की है हमारे शंभू बागड़े का बावड़ा बताना कहा है, शंभू बागड़े जी, बागड़े जी ध्यान जरूर दे, क्यों के अब मेरा गाना होता है शुरू, के अब मेरा है शुरू रे, और सब शांत चित हो जाइए, कि मेरा गाना होता है शुरू,
और सब शांत चित हो जाइए। छोटे बड़ों से कोई शांति का आज दान हमको चाहिए। क्या पैसा हुआ है खर्च जो यहाँ पैसा हुआ है और खर्च जो रे और उन पैसों का लुप्त उठाइए। यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो और इन रस्सियों का लुप्त उठाइए। कि पैसा हुआ है खर्च जो उन पैसों का लुप्त उठाइए। और जनता रखे उम्र भर याद यहां आप ऐसे रसिया गाइए। हेलो यहाँ पे सभी रसिया प्रेमी विभिन्न अखाड़ों से आए हुए सभी उस्ताद खलीफा विराजमान है गायक बंधु और सामने वाला अखाड़ा मंच पे विराजमान सभी मंचासीन और इस दंगल को कराने वाली माननीय सम्माननीय कमेटी व मैया काली में सभी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखेंगे आज का ये रसियों का मुकाबला। राया से चल करके आए खाना बीता बीके मधुबा से भाई शंभू जी शंभू बागड़े, अलीगढ़ से गुरु बीता बाबू जी के शिष्य छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के सामने हैं। इन दोनों के मध्य मुकाबला प्रारंभ होने के लिए जा रहा है जिसमें नंबर का श्री गणेश मैं खाना बीता बाबू वालों की तरफ से कर रहा हूं। जैसा आदेश आया हमारे डॉक्टर साहब का के छंद होना चाहिए वो भी रामायण से और उसमें कालगड़ा भी होना चाहिए तो कमेटी के आदेश का पालन करते हुए और आप सभी के चरणों में मैं अपनी तरफ से छोटे से अखाड़े की तरफ से
इस नंबर का श्री गणेश कर रहा हूँ और रसियों का सभी लोग आनंद लेते रहे। हाँ सर, एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगा देंगे। बोल काली मैया की सुना डॉक्टर साहब, जैसा आदेश। मंदोदरी कह गए नदी, कहने लगी रावण से मंदोदरी। और देखेंगे जवाब उधर से कि रावण का किस तरीका से जवाब आएगा। और कोई कर दो पिया पाप सुसिया, और चौफटे में पैर अड़ाए रहे हो। और शंभू भाई छंद भी ऐसा होना चाहिए कि जो जनता की एक एक बात समझ में आए। और चौफटे में पैर अड़ाए रहे हो, अरे चौफटे में पैर अड़ाए रहे हो, और खलनायक बन के मन में तन के, अरे खलनायक बन के मन में तन के, जो श्री राम से बैर।
भाई जब रन करके लाए हर के, अरे वो देखो नार पर आई है, और वो देखो नार पर आई है, अरे कोई देखो वो नार पर आई है, अरे मैंने दिल में परेखी सब झर जाए सेखी, खाम खाम की रार अपने मन की करोगे
मिटाए देंगे हस्ती। माँ साहब एक धुन और लगाओ इधर से, जो अभी गा रहे थे हमारे पंडित जी गा रहे थे चौधरी जयपुर से मंगवाई कुछ बात शंभू भैया को भी पूछनी है। हाँ दिखा माँ साहब उस्ताद, कुछ इसकी भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। सभी लोग सुनिए मेरी बात को, देख खेलत गेंद गई जमुना में, गयो नींद से जाग कालिया। अरे अरे गेंद गई जमुना में, देखो वो नींद से गयो जाग, वो नींद से गयो कालिया।
इन्हीं बातों के तो बेटे स्कूल हुआ करते हैं। अरे खेलत गेंद गई जमुना में गयो नींद से जाग कालिया और बोली नागिन जमुना जल से तू जल्दी भागे कालिया दोनों का लिया है। चाहे तो मान लो कि नागिन कन्हैया से कह रही है उधर में, और चाहे मान लो कि अपने पति से कह रही है। अब सभी लोग सुने, देख अरे खेलत गेंद गई जमुना में गयो नींद से जाग का लिया बोली नागिन जमुना जल से तू जल्दी भाग का लिया हका लिया हका लिया ऊपर चढ़ा हुआ है काली चरण के नीचे मोहन ऊपर चढ़े हुए हैं प्यार चाहूंगा सभी लोगों का अगर मेरी बात पसंद आए तो यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग और गायक बंधु और लिखने वाले बैठे हैं सभी लोग सुने अरे मोहन ऊपर चढ़े हुए हैं नीचे देख कालिया मोहन ऊपर चढ़ा हुआ है काली चरण के नीचे और माता काली का भी मंदिर बना हुआ है और इधर शंभू भी बैठा हुआ है सभी लोग सुने दंगल शंभू से हो रहा है शिव शंकर शंभू और उधर माँ काली का भी मंदिर है तो सभी लोग सुने सभी को जोड़ते हुए गुरु माथुराम जी अरे काली काली कर काली कारी कर काली के और काली काली कर काली काली कर कपाल का अरे कंठा में कपोल काली अरे कंठा में कपोल काली काली देख काली के काली कृत करती ये कैसी संघाल का अब कहना है मेरा यहीं से देख नागिन बोली जमुना चल से तू जल्दी भाग कालिया हा कालिया हा कालिया मोहन ऊपर चढ़े हुए हैं काली चरण के नीचे अरे काली चरण के नीचे वो तो शिव शंकर भी पड़े हुए हैं काली चरण के नीचे एक
गाया करते थे उस्ताद लोग। हो सबरे जाड़े न कर गए दिनेश, लेकिन जाको कौन अभी तुमने करवाया ना है तो सुन ले था। अरे अरे सुभाष गुरु जहां कहीं भी बैठे हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आए, अपने अखाड़े में आए, अपने बच्चों के पास आए। अगर कोई गलती हो भी गई हो इन बच्चों के प्रति तो बच्चे तो हमेशा बच्चे हुआ करते हैं और बुजुर्ग हमेशा बुजुर्ग हुआ करते हैं। इसीलिए मेरा कहना है भैया इसको धीरे धीरे निकल जाने दो, भैया थोड़े से और साइड में हो जाओ। हमने आप लोगों से पहले ही कहा था हमारे रंगीला जी ने कि भैया रोड की व्यवस्था अच्छी बना करके रखें, इन वाहनों को भी निकलने दें, काफी जगह पड़ी हुई है और ये सारी रात का मामला है, घंटे दो घंटे का प्रोग्राम नहीं है। आप सभी लोग आकर के बैठे, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है कमेटी ने आपके लिए। हाँ भैया, भैया खड़े होने वाले हो, सभी लोग आ जाओ इधर। हाँ साहब, अब सुने हमारी। तेरी आहट और बाल हट कोई पल पल बदले रंग, ये तेरी आहट और बाल हट और कोई पल पल बदले रंग। चाचा जी ये बिल्कुल नई कहानी है, अभी कोई पुरानी कहानी नहीं है और इन सभी लोगों के बीच में दर्शा रहा हूं। शायद ही बात है कि एक आध बार ही ये किसी YouTube पर निकली होगी, नहीं दूसरी बार इसका नंबर नहीं आया है। और सभी लोग सुन, गुरु मोतीराम जी क्या तेरिया हट और पाल हट और कोई पल पल बदले रंग, और कोई पल पल बदले रंग, और ना जाने किस वक्त पे जाए ऐसी उठे, अरे ना जाने किस वक्त पे जाए ऐसी उठे। तो कहना मेरा अरे मानी 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 ना, ए रे मानी मानी ना, ए बालम
करिए बादर फार चलाई। आदरणीय भाई दयाशंकर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय श्री दयाशंकर जी, अगर आपको बच्चों के बीच में बैठने में शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, बाकी मंच पे आप सादर आमंत्रित हैं। नहीं नहीं वो वाली बात नहीं है। दयाशंकर भाई जो क्लास में बच्चे होशियार हुआ करते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं और जो बच्चे कमार हुआ करते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच कह रहा हूं और आपको बिल्कुल पसंद आए तो आकर के तुरंत बैठे यहां पर, क्योंकि आपका मान सम्मान कर रही है कमेटी। देखें सभी लोग, अरे मानी मानी नाए पालम की जाने एक बात दिए बादर फार जनानी। शंकर ने भी खूब समझाई पर मानी नाए सती है, मानी नाए सती है, अरे मानी नाए सती है भैया, मानी नाए सती है। शंकर ने खूब समझाई मानी नाए सती है, मानी नाए सती है। ऐ जी भस्म है गयो है कोई को सबरो बात दिए बादर फार जनाई। दूसरी कहानी है मेरी दशरथ के संग, दशरथ के संग बाके कई ने कीनो खूब फजीता, दशरथ के संग बाके कई ने कीना खूब फजीता। चौदह बरस को वन में चले गए राम लखन और सीता। बंधन देखो तोड़ चली गई, साथ साथ फेरों का बंधन देखो तोड़ चली गई, साथ साथ फेरों का बंधन देखो तोड़ चली गई। और सभी लोग सुने बड़े ध्यान के साथ, अरे दे खब तोड़ चली गई। शांतनु की जाने एक न मानी वो गंगा छोड़ चली गई, गंगा छोड़ चली गई, अरे गंगा छोड़ चली गई भैया, गंगा छोड़ चली गई, एक न मानी गंगा छोड़ चली गई, गंगा
कर कलम में पैर पढ़ाए के लइयो जरूरत रखो कर कलम में पैर पढ़ाए के लइयो अरे पैर पढ़ाए के लइयो कहे रमेश मेरी पैर पड़े न तो राय कुबगे सभी लोग सुने भैया पहले मैं ये पूछूंगा मैंने जो गाया है आप लोग की समझ में आ रहा हो साहब आ रहा भैया अब सुने आप लोगों का मनोरंजन भी जरूरी है मां साहब तुम दिखाओ हाँ हाँ भैया दूसरी पार्टी को नंबर आवे वो चिंता मत करे भाई तो एक ही तेज खिले जगह जगह धंधा लगे परे धुंध खा मां साहब दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था सके ना
भजी अता देख रहे हो बाबा तुम्हारे आंगू ना मानो ये तुम्हारा लौड़ा बहुत बिगड़ेगा भाई देख अरे मोते करी है अरे जाते करिए छेड़ा खानी चुंदरिया फार दई है और मैया तुम्हारे जाने का करो और शंभू भाई ये मत कहना कि ये क्या गा रहा है ये ब्रज का गीत है लेकिन ये रसिया है जब तक रसिया में रस नहीं होगा तब वो रसिया ही किस बात का हमारे गुरु मुगा राम जी दे रहे हैं दस रुपए का प्रोत्साहन करने के बाद जोरदार ताली बजाएंगे जय हो निकल के दुआ नादुरा मोस्ताज निकल देख ले हो देख अरे मोत करिए हाथ पाई चुनरिया पहाड़ी दई क्यों अब जालाने तुम बोलेंगे सब मोत करिए हाथ पाई चुनरिया भारी दईए और पीछे ते आए के अचक हो गया ए फुबा गया भाई जत कर गयो हाथा भाई चुंदरिया फार दईए अरे जतो कर गयो जतो कर गयो और क्या हुआ गलत मत ले जाइयो जहां तो डरावे की आदत पड़ गई है अब होरी आ रही है और खूट आ रही हो रास्ता में मैया जाने रास्ता में मैया जाने रास्ता में रास्ता में मैया जाने करी छेड़ खानी देख अरे रास्ता में मैया जाने करी छेड़ खानी जौला ने बोलेंगे जब जब डारी तई उंगरिया जबरन छूटी गयो बाबा मटकी में चकाचक दही जमा भयो और जब चकाचक दही जमा हुआ हो और बा में तुमने का डार के देख लिया चुर्री गलत बात जब उसमें उंगली डालोगे तो दही अलग और पानी अलग कोई गलत बात नहीं है डार दही उंगरिया जबरन छूट गया पानी अरे किया था हमने तुमसे प्यार किया था हमने तुमसे प्यार लेकिन अधूरा निकला और लगाया था पेड़ बैंगन का मगर अधूरा जब छज्जे पे बाजरा भूमि सकत हुए तो धतूरा निकल सकत हो हमने तो समझी थी कि कोई बादाम की गिरी होगी लेकिन करें क्या वो तो कान खजूरा निकला और गए थे खेत में गाजर खोदने
लेकिन करें क्या, गाजर की जगह पे तो लंबा वाला बूरा निकला। अब उल्टो ही लागो है, छज्जे पे बाजरा बुबिरा हुआ है, डाली नहीं पहनान लटक रहे मतलब देख। अरे रास्ता में मैया जाने करी छेड़ खानी, तारी तई उंगलिया जबरन छूट गया पानी। अच्छा डाली डाली पे अनार लटक रहे, अभी तो ना पता एक काम और है रो। बता दूं भैया, बता दूं। देख पहला तो भक्त को खान लगी ये देखो उड़ उड़ हो रही है, देखो उड़ उड़ हो रही है, हुआ। अरे
करुआ ने तो भात बिगाड़ दई। अच्छा हाँ देख, अरे जाकारे करुआ ने सब भात बिगाड़ दई। चलिया जे तो रोज कर चोरी।